किया। 1994 के आसपास राजू श्रीवास्तव जी और मैं आपके चार बंगला के घर में आए थे और ईद के दिन भाईजान ने अपने हाथों से बिरयानी खिलाई थी। 24 साल पहले की बात है ये, और मैं ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के दरबार में हूँ, भगवान के दरबार में हूँ, क्योंकि हम 90s के सिंगर्स और म्यूजिक में ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज भी गाने जब गुनगुनाते हैं सिर्फ उन्हीं के गाते हैं। बहुत ही कमाल के इंसान, और बाकी मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनके गानों पर टिप्पणी करूँ कि किस लेवल के वो गायक कलाकार थे। सिर्फ एक लाइन उनको याद करते हुए बोलना चाहूँगा, धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगे। उस वक्त के ज़माने से हिसाब से बहुत तगड़ा स्ट्रगल था। बड़े बड़े ब्रिलियंट सिंगर अपना जगह मुकाम बना चुके थे। उनसे किसी ने पूछा होगा कि यार तू इतना पैदल चलता है, तकलीफ प्रॉब्लम तो नहीं होता? उन्होंने कहा, मर्द टांग वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। और ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और वो बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर बन गए। प्लेबैक सिंगर के साथ में वो ऐसे जुड़ गए जैसे दोनों के लिए वो मेड फॉर ईच अदर थे। सिंगिंग के लिए वो मुझे कहते थे, शायद तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। और जब बहुत शोहरत उनको मिली तभी वो डाउन टू अर्थ थे। हमेशा लोगों को एक ही बात समझाते होंगे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का हम देखा तो मैं अपना हम भूल गया। जरा से मेरी रिक्वेस्ट पे अपना फर्ज समझा करिए कि माता भाई से पहले सुधाकर जी ने भी उनके परिवार वालों से कहा, तो उनकी बात को आगे फॉरवर्ड करते हुए मेरी से रिक्वेस्ट भी, आप जजे भी इनके सुपुत्र हैं मोहम्मद अजीज जी के। मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब दुखी हैं। और देखिए, सच्चाई ये है कि हम सभी को जाना है, कोई रहने वाला तो है नहीं, लेकिन बस ये है कि एक ऐसी शख्सियत गई है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने 90s 80s के इरा में जो काम किया है और जो जो गाने दिए हैं, जो जो हिट गाने दिए हैं, वो अगर एक एक गाना निकाला जाए तो अपने आप में एक एक गाना एक एक नगीना है। बेशक। और उनकी गायकी का जो अंदाज था, मेरी जहाँ तक समझ है वो रफ़ी साहब को बहुत लाइक करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया। कुछ सिंगर्स ऐसे आए कि जो जिनको लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अजीज़ साहब जैसा साउंड करता है, ऐसे भी सिंगर आए कुछ मोहम्मद अजीज़ जी के जब उनका दौर चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि जब उसके जैसा लोग गाने की कोशिश करें। और उनकी गायकी से बतौर आर्टिस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा है। वो जब भी मिलते थे मुझे कोई ना कोई एक नया लेसन देते थे, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो। और लास्ट जो हमारी मुलाकात, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, गुजरने से एक दिन पहले हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, एक साथ थे, तो गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मेरा ज़िक्र किया और ये कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारे इंडस्ट्री में वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बहुत बहुत पसंद करते थे। ये मैं कोई अपनी बड़ाई महसूस बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे याद किया। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब से उनका इंतकाल हुआ है मैं कंटिन्यूस मेरी गाड़ी में लूप पे उनके गाने सुन रहा हूँ, बहुत सारे गाने, अनगिनत गाने, एक एक निकाल निकाल के सुन रहा हूँ और उन गानों का मैं मज़ा ले रहा हूँ। वही बात है देखिए कि जब इंसान चले जाते हैं तो बहुत कमी खलती है, आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। लेकिन सर पहुँचा कि उनको
कलकत्ता लेकर जा रहे हैं, मुझे भी यही मैसेज मिला था। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग ये समझे कि ना उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं बोले। देखिए, आज लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको प्यार नहीं करता था, सब लोग बहुत प्यार करते थे। हाँ, ये है कि एक इंसानी तकाजा है कि आप किसी की खुशी में ना जाएं, लेकिन हम में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन सर, क्या जुहू में रह के जुहू में लोगों को मालूम ना पड़े? डिजिटल ज़माना है, सबको आपको लगता है ऐसे अमेरिका में कुछ होता है 10 मिनट में या इंडिया में खबर हो जाती है, क्या जुहू में क्रियाक्रम हो रहा है और किसी को पता नहीं, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं बाकी लोगों के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बारे में, अमिताभ चेकअप के लिए जाता है या दिलीप कुमार जाता है तो उसके लिए मीडिया पहुँच जाती है, सब पहुँच जाते हैं, तो ऐसा क्यों अपने देश में ऐसा क्यों है? सर, उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। सीधा सीधा सवाल है, अगर चलो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कम से कम टीवी या सोशल मीडिया जो एक्टिव है, जो कि हर चीज पे हम लोग करते हैं, तो ऐसा हो सकता है उनके उनके निधन की, हाँ ऑफ कोर्स, उनके 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 निधन की खबर जरूर पहुंची लोगों में, लेकिन उनको कब मदफून किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार कब जाएगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। मेरा ट्वीट का सवाल है, सब बातों की बात है कि मीडिया जो है, मतलब मीडिया ने दिखाया, उसके बावजूद भी स्टार नहीं पहुंचे, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया, सबसे बढ़िया। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा सर। थैंक यू। नहीं, उनके अनगिनत गाने। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, कितनी यादें जुड़ी हैं उनसे और कितनी बार काम करने का मौका मिला, क्या अनुभव था उनके साथ काम करने का? मैंने तो ये कहूँगा कि मेरे शुरुआती करियर से ही मुन्ना भाई मेरे साथ रहे, और जाहिर सी बात है कि मैंने जितनी भी फिल्में की उनमें से कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे, जिसमें से मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे कैरियर की पहली फिल्म थी सुरमा भोपाली, और उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो भाईजान ने गाया था, यानी मुन्ना भाई ने गाया था, और उसी गाने से हम लोगों को पहचान मिली दिलीप सेन समीर सेन को। और आज मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राजस्थानी जो हमारी संस्था है, जिसने ये एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम रखा, सुधाकर जी ने, अरविंद जी ने और सनी जी ने, ये मिल के जो एक सभी हम कलाकारों को और सभी भाइयों को बुलाया, जो वहाँ उनके मिट्टी में शरीक नहीं हो सकते, जनाजे में शरीक नहीं हो सके थे, उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिला और अपने दुख प्रकट करने के लिए। मगर अजीत भाई ऐसे हैं कि वो ना भूलने वाली शख्सियत हैं, थी और है, और मैं तो यही कहूँगा कि आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर जो उन्होंने काम किया है वो ना भूलने वाला है, और इंडस्ट्री हमेशा उनके गानों को और उनके व्यवहार को और उनको प्यार को हमेशा याद रहेगी। सर, ऐसा एक शो कराया जाए जो से चैरिटी आए वो उनके फैमिली को दिया जाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये मैं इस बात के लिए थोड़ा सा नहीं, मैं माफी चाहूंगा, इसकी शुरुआत हो चुकी काफी जगह पे। नहीं, मगर चैरिटी के लिए नहीं, चैरिटी के लिए मैं थोड़ा मैं क्योंकि इतने मोहताज नहीं थे वो कि उनके नाम से कोई चैरिटी की जाए, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे उनकी लड़की गाती है, उनका लड़का अगर गाना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, जैसे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इस बात का वादा करता हूँ समक्ष चैनल के सामने कि जब भी ये बच्चे आएंगे मेरे पास, जैसे उनके अब्बा थे मोहम्मद अजीज जी, मैं भी बड़े बाप की तरह, चाचा की तरह उनके साथ खड़ा रहूँगा, और उनको जहाँ संगीत के अंदर मेरी मदद लगेगी मैं करूँगा। और रही बात शो की, तो मैं ये कह रहा हूँ चैरिटी शो उनके नाम से नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके परिवार को अगर हेल्प, जैसे कहते हैं ना, सहयोग देना है तो कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग दे। हाँ, उनकी बच्ची की नाइट करवाइए जो वो गाती है, उसके साथ दूसरे लोग खड़े होइए, ना कि चैरिटी का। थैंक यू। चलो, मोहम्मद जी से और इतना बड़ा जो नुकसान हुआ संगीत जगत को, कितनी दुखी बात है। मुझे शब्बीर कुमार साहब ने सबसे पहले ये खबर दी, और शब्बीर कुमार साहब को मैं सलाम करता हूँ। वो सेम डे से लेके आज तक उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके दुख में शामिल है। ऐसी इंसानियत इंडस्ट्री ने बाकी लोगों ने नहीं दिखाई। आपका सवाल बिल्कुल सही है, कुछ लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सच कोई नहीं भी बोल रहा है। चढ़ते सूरज को सलाम है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अजीज साहब इतनी छोटी शख्सियत नहीं थी कि उनको इतनी आसानी से भुला दिया जाए, लेकिन क्या करें,
उन्होंने खुदगर्ज फिल्म में भी गाना गाया था तो मुझे कई बार हो चुका जी नहीं। और मैं इसलिए तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भारत की जनता से कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखिए। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई नेता, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई नेता, कोई अभिनेता आपको संभालने नहीं आएगा। आपको अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। गब्बर की ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है और मोहम्मद अजीज साहब के जाने पर मैं कहता हूँ कि बस न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद अजीज तू है दिल में समाया। वो हमेशा दिल में समाए रहेंगे और हमेशा अपने गानों से हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और अजीज साहब आप जहाँ कहीं भी हो आप थे, है और रहोगे। सबसे पहले सबको मेरा सलाम आदाब। मोहम्मद अजीज साहब के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा कि जो जो बीत गया है दौर वो दौर ना आएगा, इस दिल में मोहम्मद अजीज साहब आपके सिवा कोई और ना आएगा। तो खैर, जो मैं गया था इनके अंतिम संस्कार में, मैंने भी देखा कि इतने बड़े बड़े स्टार उनके गानों से बने हैं, खास करके गोविंदा जी। मैं से मीना से न साखी से पूरे हिंदुस्तान में, यानी जब वो गाना आया था तो गोविंदा जी उसी गाने की वजह से स्टार बने थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और जैसे कि राम लखन, ये अनिल कपूर साहब का बहुत ही हिट गाना था, इतने बड़े बड़े स्टार जो इनके गाने से बने वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। और मैं भी, मेरी आंखों में आंसू रह गए, मैं देखता रह गया। खैर, इंडस्ट्री में कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम करते हैं और डूबते सूरज की कोई नहीं आता, ये लेकिन बहुत बहुत ही बेकार दुविधा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री एक परिवार की तरह हमेशा रहना चाहिए और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के सपोर्ट में हर किसी को आना चाहिए। लेकिन कई बार मैं ये चीज़ें जब देखता हूँ ना, तो क्या क्या चीज़ नज़र आती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं यार, ये आदमी हमारे परिवार का नहीं था, इसलिए बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो इसके लिए बहुत दुख होता है। थैंक यू सर। तो सबसे मेरा यही आग्रह है कि इंडस्ट्री में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, इंडस्ट्री में हम सब एक परिवार हैं। और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब, सबको सबकी इज्जत करनी चाहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अरे गरीब।